तो आप यहाँ से छुटकारा पा जाते, नहीं तो फिर अगर नीचे उतरे तो गए फिर जीती बाजी आ गई। तो जिन जिन ने खुद भक्ति धारण की उनका काम बोलो। गुरु लगे जिसे अति प्यारे, जिन कुल कुटुम सब तारे। भाई जिनको गुरु महापुरुष प्यारे लगते हैं, जिन पर विश्वास हो जाता है, जो लेने के, तो अपना तो काम पहले कर लो। ये सब कुटुम परिवार, फिर आपके अंदर भी वो क्षमता हो शक्ति यानी प्राप्त हो जाती है, जिसको जाओ उसको पार कर लो। जब औरों को पार करते हो तो अपने कुटुम्ब को तो पार कर ही सकते हो, जब और जीवों को ले जाओगे तो कुटुम्ब तो जाएगा ही। तो तेम कुटुम कुल कुटुम सब तारे, सबको निकाले जाते हो, कहीं भी हो, चौरासी में हो, नरकों में, कहीं भी वहां से निकाल के ले आओ। और साधकों ने, प्रेमियों ने जब पहुंच गए तो निकाल लिया, दया हो गई, तो कुल कुटुम के ऊपर तो दया हो ही जाती, कृपा हो जाती। जब गैर कुल कुटुम के लोगों को किनारे लगा देते हैं, पार कर देते हैं, जगा करके सब कुछ माफ करके, तो उनको भी माफ कर दे। और जब पार नहीं हो गए तो कुल कुटुम को डुबा दो, खुद भी डूब गए उनको भी। ऐसे मतलब यह है कि बच्चे और बच्चों को पैदा करने से क्या लाभ है, कहते बाद रहो। ये लोग आते हैं कहते बच्चा नहीं है, अरे भाई नहीं है तो रहने दो, ऐसे ही रहो। कह लगे कि लोग ताने मारते हैं तो मुंह सूख जाता, मुरझा जाता। अरे भाई कितने बच्चे पैदा किए, अभी उनको रो रो कर उनको छोड़ करके आई, और फिर तुम बच्चे मांग रहे हो, और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो यहाँ फेंकते हो, ये लीजिए इनको मार दीजिए, हमको नहीं चाहिए, फिर उनको फेंका बाकी करते। और फिर कहते बच्चे, अरे तुम्हारे कितने जन्मों में बच्चे ही तो मिलते रहे और तुम बच्चे बनते रहे, और तुमसे उन्होंने प्यार किया, तुमने किया, और ना उनका भला हुआ ना तुम्हारा भला हुआ। फिर वही मांगते कूड़ा कचड़ा, मांगते कूड़ा कचड़ा। ये नहीं कहते हो कि मेरी सूरत घर में पहुंचा दी जाए, जहाँ से आई वहाँ तो इस कूड़े कचड़े से निकल जाए, नहीं तो पहले भी रोया, अभी रो रहे हो, न मिलने पर मिलने पर दोनों तरफ से रो रहे हो, नहीं मिला तो रो रहे हो और मिल गया तो रो रहे हो। हाँ अब कहाँ से खिलाए, अब रोजी चली गई, रोजगार चला गया, पैसा खत्म हो गया, बीमारी लग गई, ये लग गया, अब नहीं, अब रोते हो, क्या किया जाए, ऐसे रो रहे हो और जब नहीं तो रो रहे हो। अरे क्यों झगड़े में फंसते हो, अच्छा है कि निकल चलो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। तो बहुत प्यार से समझा रहे कि अगर खुद पार हो गया तो कुल कुटुम्ब को सबको पार कर दे। अगर महापुरुषों से प्यार हो गया और उन्होंने सूरतों को ऊपर दया कर दी और यहाँ से निकाल दिया, पहुँचा दिया, तो उसे पार करने में क्या देर लगती, वो तो गुरु ही उसको पार कर देंगे, उसके पार करने की जरूरत नहीं है। और गुरु अगर चलेगा पार हो गया तो कर देगा, उसमें कोई बात नहीं है। ये महापुरुषों ने काम किया। बोलो। धन मात धन पिता मात उन जन के जिन भक्ति करी। हाँ वो महापुरुष है, उन माता पिता को कहते हैं धन धन। वो माता पिता कितने अच्छे हैं कि उन पुत्रों ने पुत्रियों ने महापुरुषों की भक्ति की और अपनी जीवात्मा को जगा करके घर में पहुंचाया, वो माता पिता धन है जिन्होंने बच्चों को पैदा किया। ऐसी कल्पना रखनी चाहिए कि मेरे बच्चे बच्चियां भक्ति भक्ति धारण करें। और किनसे मिले महापुरुष, अभी क्या करते हो ना, कह लगे वहां सत्संग में जा रहे कि नहीं जा सकते, तेरे पैर काट देंगे। अब स्त्री से कहते पैर काट देंगे तो फिर स्त्री चिढ़ गई तो कहती तुम भी नहीं जा सकते, तो दोनों में झगड़ा हो गया, कलह हो गई। अरे भाई सत्संग में जा रहे हैं तो चलो भाई उसको चला जाने दो, वो लौट करके फिर आ जाएगी, और जरा सा तुम पीछे से चले आओ कि देखो ये कहाँ जा रही है, पीछे पीछे चले आओ तो देखो, तो तुम भी पीछे सुनो, पता लगा लो कहाँ पर देखते रहो और पीछे तुम भी सुनो, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा ये सही जगह पर आती नहीं हो जाती, आवाज़ नहीं देते। कभी कभी स्त्री बाधक बन जाती, कभी कभी पुरुष बाधक बन जाता, कभी कभी माँ बाप के लिए बच्चे बाधक बन जाते,
कभी बच्चों के माँ बाप बाधक बन जाते, कभी ये न बने तो रिश्तेदार बाधक, एक दूसरा कंटक है, बड़ी मुसीबत। जो टेलीफोन आते हैं कि क्या बताया जाए, ये जाने नहीं देता, कौन नहीं जाने देता, कहते स्त्री नहीं जाने देती, बच्चे नहीं जाने देते, फिर कहते हैं नहीं पति नहीं जाने देता, आफत है। अरे भाई जहाँ कहीं जा रहे हो तो जरा देख तो लो कि कहाँ जा रहे हो, तो चले आओ देख लो, आंखों से देख लो, जरा कानों से सुनोगे, आंख से देखोगे, बुद्धि से विचार करोगे, तो तेरी भी समझ में कुछ आ जाए। बोलो तो माता पिता को धन धन कहते हैं कि तुमने ऐसे बच्चे किए कि महापुरुषों की उन्होंने भक्ति की और अपनी जीवात्मा को जगा के घर में पहुंचा दिया, ऐसे बच्चे बच्चियां अपने कुल को पार कर दिया, उतार देते। बोलो जिन साही मलामत जगती तिन मिली रास। सही और सच्ची बात तो यह है कि जो बच्चे और बच्चियां जगत की बुराई को, अरे मतलब इस निंदा को जो सहन करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, वो पार जाते हैं, क्योंकि उनके शब्दों को पकड़ते ही नहीं, कोई गाली दे रहा, कोई बुरा कह रहा, कोई ऐसा है, कोई वैसा, कुछ नहीं, वो मन में कुछ रखते ही नहीं, जहाँ रही वही गांठ में बांधते ही नहीं, अरे वो पार जाते हैं, वो पार जाते हैं। और जिन्होंने गांठ में बांध लिया रोते रहते, वो क्या कह रहा, वो ये कह रहा, वो ये कहता, वो ये कहता, वो ये कहता, भाई इसी में फंसे रहे, और चुके कुछ नहीं बांधा, वही छोड़ दिया, चले आए। तो इस मलामत को, इस बुराई को, इस निंदा को प्रेमी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और वो ऐसे हदत करते, कुछ नहीं, पागल है, पागल है, मूर्ख है, गंवार है, जो इस तरह की बात करता है, उसे क्या पता है कि भाई महापुरुषों से क्या मिलता है, बस तो समझ करके टाल देते हैं और कुछ कहते रहते नहीं है, उसकी बात अपने ध्यान में नहीं देंगे, बात खत्म हो गई। ऐसे लोग पार जाते हैं, वो अपना काम कर लेते हैं जगत में। बोलो जो कुल लाज जगत से डरे गुरु भक्ति से वह। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई कुल कुटुंबियों से जो कोई भी डरता है वो गुरु भक्ति नहीं कर सकता, गिर जाए, उस रास्ते पर नहीं चल सकते, न वो वचन का पालन करेगा, न वो सिमरन करेगा, न वो ध्यान करेगा, न वो भजन करेगा, कुल कुटुम्ब संसारी जो कहेंगे उसको करेगा, तो गिर गया, उससे हट गया, तो ऐसा जीव क्या बिताना, उतरेगा तो चला गया, निकल गया, आया था निकट में पास में जाने के लिए, वो लौट गया, क्योंकि कुल कुटुम्बियों ने इतना उसको घुड़काया, इतना डरवाया धमकाया कि उसने वैसे वापस लौट गया। अच्छा भाई हम नहीं जाते, हमने छोड़ दिया। बोलो रण छोड़े कायर कहलाई सती फिरे भंगी घर जा। अरे भाई कहते भाई अगर तुमने पति को, अगर अपने घर में जाने वाले को तुमने छोड़ दिया तो फिर मतलब ये फिर क्या है, दर दर मारे मारे फिरोगे, जैसे किसी ने अपने पति को छोड़ दिया तो भंगी कर जाना, क्या उसकी इज्जत है, कुछ नहीं। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि भक्ति करना, भक्ति कहते हैं आदेश का पालन, भक्ति कहते हैं भजन करो, भक्ति कहते हैं बुरा काम मत करो, भक्ति कहते हैं सबकी सेवा करो, भक्ति कहते हैं भाई संसार में मत करो, भक्ति कहते हैं शरीर तुम्हारा नहीं है, ये बाल बच्चे भी तुम्हारा नहीं है, इससे काम ले लो, काम कर दो, धन दौलत भी तुम्हारा नहीं, इससे काम ले लीजिए और फिर कुछ नहीं आपको, इसी को समझदारी से सब काम करो, इसका नाम है भक्ति। और भजन मुख्य, असली भक्ति तो ये है कि भजन करो, सूरत को नाम के साथ जोड़ना हुआ भक्ति, ये सब उपदेश इसीलिए बताया जाता है कि भजन में आ जाओ, दरवाजे पर बैठ जाओ, इधर बैठो इधर, और आवाज को सुनने लगो और चढ़ाई शुरू कर दो, ताकि तुम्हारी आँख भी खुल जाए, कान भी खुल जाए, देखने भी लगो, सुनने भी लगो, तभी तो राज खुलेगा, खजाना तो घाट पे भरा हुआ अमोला, अब यह घाट को खोदने की तो जरूरत है, जगाने की जरूरत है, सफाई करने की,
जगाने का मतलब साफ करना, कूड़ा कचरा साफ हो गया, फकाट हो गया। पानी में भी मोह दिखाई देगा तो घाट पर अपना मोह दिखाई देता है। इतना शुद्ध साफ निर्मल मन बुद्धि चित्त अंकर जीवात्मा सो जन मोह पा रहे, निर्मल हो जाओ प्राप्त। अरे तुम शुद्ध साफ अपने सिंहासन को करो, अपने हृदय को, तो मालिक तो वैसे बैठ जाएगा आकर। वो तो बैठने की जगह तलाश कर रहा, लेकिन तुम उसको गंदा रखते हो, कहाँ बैठे। सही सच्ची बात तो ये है, बोलो। मछली को जैसे जल धारा गुरु मुख को सत्य, कहते हैं मछली को तो भाई पानी चाहिए, पानी नहीं मिलेगा मछली तड़प के मर जाएगी। कहते हैं गुरुमुख है, गुरु आज्ञाकारी है, जो भजन करता है उसको तो गुरु चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए, और वो किसी को जानता भी नहीं, वो तो गुरु शब्द को जानता है, उसकी वो भक्ति करता है, उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, वो तड़पता है। ये है गुरु भक्ति। जब गुरु भक्ति नहीं आप सीखोगे, गुरु वचन का पालन, उनके शब्दों को नहीं पकड़ोगे तो गए, निकल गए। मछली वो तो पानी से प्यार होता है। अरे भाई पपिया को तो चाहिए, अरे उसको तो चाहिए मोती, चाहिए स्वाति की बूंद, तभी उसकी प्यास जाएगी, नहीं प्यास नहीं जा सकती। हम मोर को तो नाद चाहिए, अगर कहीं नाद होता हो तो चुप हो जाए। बादलों की गरज चाहिए, ऐसे ही मृग को चाहिए होता है। कोई बाजा बाजा बजाइए तो मृग चुप, अपनी गर्दन कैसे खड़ा करेगा, और बस उसको सुनते 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 ऐसे पैर कर लेगा और फिर टेक देगा जमीन में, तभी तो उसको मारते हैं आकर के, वो बाजा बजाता है।